अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम कलाम है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल कुरान फॉर मुस्लिम। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर चुके ऐसे नातवा के बारे में जिनकी नात बहुत ही खुलूस के साथ सुनी जाती है। उनके नात पढ़ने का लहजा ही है कि आज हर मुस्लिम शख्स उनके नात पढ़ने के अंदाज से बेपनाह मोहब्बत करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर नातवा हाफिज अहमद रजा कादरी साहब की जिंदगी के बारे में। उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हाफिज अहमद रजा कादरी साहब की पैदाइश 21 जुलाई 1990 को पाकिस्तान के शहर कराची में हुई। आप दो बहनों के अकेले भाई हैं। आपने शुरुआती तालीम अपने शहर के एक मदरसे से ली, फिर बाद में आपने बीकॉम की डिग्री हासिल की। दोस्तों हाफिज अहमद रजा कादरी साहब के वालिद का नाम मोहम्मद सबीर है, जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। दोस्तों हाफिज अहमद रजा कादरी साहब पाकिस्तान के मशहूर नातवा शेख सिद्दीक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं, और अगर कहा जाए कि उनकी खूबसूरत आवाज अल्लाह सुभान व तआला ने उनके नाना की विरासत में दिए हैं तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों हाफिज अहमद रजा कादरी साहब बचपन से ही नात खाने के बहुत ज्यादा शौकीन थे और उन्हें नात पढ़ना और लिखना बहुत पसंद था। दोस्तों बचपन में आपका ख्वाब था कि वो एक अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला कुछ और मंजूर था और उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। दोस्तों बाज़ औक़ात इंसान जो सोचता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला के फैसले बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होते हैं। हाफिज अहमद रजा कादरी साहब ने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी नाते पढ़ी हैं जिनमें उन्हें बहुत सारी मकबूलियत मिली है। दोस्तों उन्हें नाखवानी के इस सफर में बहुत सारे इनामात से नवाजा गया है, जिनमें से मोस्ट रिवाइंड नात खां ऑफ द वर्ल्ड जैसे अवार्ड शामिल हैं। दोस्तों हाफिज अहमद रजा कादरी साहब के नात पढ़ने का अंदाज और लहजा ऐसा है कि आज नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी उनके नात को सुनकर बे इंतहा उनसे मोहब्बत करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। दोस्तों हाफिज अहमद रजा कादरी साहब ने नातवानी के सिलसिले में दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सफर किया है, जिनमें से कुवैत, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएस के बहुत सारे ममालिक हैं। दोस्तों हाफिज अहमद रजा कादरी साहब के नात को आज भी बहुत ही मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। उनकी नातों में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल करने वाली नात थी मेरे आका मदीने को बुला लीजिए। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे, मुझे भी उन गली कूचों मुझे भी उन गली कूचों में रहने की जगह दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। ये नात बहुत ज्यादा सुनी गई और कई अर्शों तक ये टॉप ट्रेंडिंग में रही। तो हाफिज अहमद रजा कादरी साहब को दो बार हज अदायगी की सआदत हासिल हुई, जिनमें से एक हज हज अकबर था। दोस्तों ये थी मुख्तसर सी बातें हाफिज अहमद रजा कादरी साहब की जिंदगी के बारे में। ये वीडियो हमारे व्यूअर अहमद शेख की रिक्वेस्ट पर था। अगर आपको भी किसी आलिम दीन के बारे में जानना है तो हमें जरूर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी उस आलिम दीन के बारे में बताने की। आप अपना ख्याल रखिए, हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।